दूध पी लो रवि। रख दो माँ, बाद में पीऊंगा, मुझे बहुत काम करना है। आज स्कूल नहीं जाना क्या? जाना है माँ, पर मैं स्कूल की एक पार्टी के साथ अजंता एलोरा जा रहा हूँ, इसलिए आगे का काम अभी कर लेता हूँ। ओ राजा, अरे हमारा राजा बेटा क्या कर रहा है? ट्राइसिकल को बाइसिकल बना रहा हूँ। वो कैसे? इसकी एकदम तोड़ के। तीन पहियों वाली साइकिल पर छोटे बच्चे बैठते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो, अपने बेबी से भी बड़े। चलो बहुत मेहनत कर ली, ले दूध पिला। अरे तुम अभी तक नाच रही हो?
स्कूल जाने का वक्त हो गया, जल्दी से कपड़े बदल लो। माँ अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। प्रोग्राम की तैयारी बाद में करना, पहले स्कूल जाने की तैयारी करो। तो दूध पिला। पद्मा, ओ पद्मा, ये क्या परिक्रमा हो रही है? ये कमबख्त बटन बंद ही नहीं होता, पतलून दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। पतलून छोटी नहीं हो गई बल्कि तुम मोटे हो गए हो। देखो ना कल कौन निकल आई। ये क्या कर रहे हो? ये भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो कि आदमी खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। ऑफिस जाने का वक्त हो गया, देखो तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो। क्यों भाई बच्चों, तैयार हो? हाँ डैडी। चलें फिर। डैडी मुझे एक बात कहनी है आपसे। बोलो। हमारे स्कूल की पार्टी अजंता एलोरा जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हर लड़के को 50 रुपए भरने पड़ेंगे। 50 रुपए? हाँ डैडी, सब दे रहे हैं। नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है ऐसी फिजूल खर्ची। लेकिन डैडी मैं सेक्रेटरी हूँ उस टूर का, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सेक्रेटरी क्या तुम मुझसे पूछ के बने थे? ये क्या कर रहे हो? अपनी किताबें संभाल रहा हूँ डैडी। तुम्हें हर रोज स्कूल इतनी किताबें ले जानी पड़ती हैं? हाँ डैडी, इनमें से 9 किताबें तो 3 भाषाओं की है, 3 हिंदी की, 3 मराठी की, 3 अंग्रेजी की। देख ही रहा हूँ, आजकल किताबों पर ज्यादा और पढ़ाई पर कम जोर दिया जा रहा है, बच्चों के दिमागों को गोदाम बनाया जा रहा है। ये भाषण नेताओं के लिए छोड़ दो, नहीं तो बस छूट जाएगी तुम्हारी। ये लो रूपा। शाबाश, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब तक नहीं आए सर। आए तो उन्हें अंदर मेरे पास भेज देना। बहुत अच्छा सर। आज तो साधु राम की हो गई छुट्टी। छोटी राम, साधु राम को कुछ नहीं होने वाला। उसके सामने कई ऑफिसर आए और कई गए, मगर वो वही है और वही है। जरा उसकी कुर्सी को देखो, घिस घिस कर कागज हो गई है, मगर अब तक वो वैसा ही पहलवान है जैसा पहले था। कमाल है ये बुढ़ा। अबे बुढ़ा तेरा बाप, बुढ़े के बच्चे, ये पुरानी हड्डी है तुम्हारी, तेरे जापानी माल नहीं जो चाबी दी और स्प्रिंग टूट गया। अरे ये आसमान पर चढ़कर आया या क्या कर रहा था? खड़ी थी कर रहा था बाबूजी। क्यों? आहिस्ता चल रही थी। अरे आहिस्ता चल रही थी तो चलने देना, तेरे बाप का क्या लेती है, जितनी आहिस्ता चलेगी उतने दिन दीवार पे ज्यादा लटकी रहेगी। और सुन, तू भी आहिस्ता चला कर, जवानी कायम रहती है। अब तो बगैर कहे आहिस्ता चलना पड़ेगा। कमर के हर पुर्जे ढीले हो गए आपकी दुआ से। तो घबरा नहीं, ये ले भगवान का प्रसाद, सब ठीक हो जाएगा। जा काम कर, काम कर। हाँ टेक दिस प्रसाद। ओहो मीनाक्षी, तुम्हारा क्या हाल है? वही जी पहले था। ओह, अभी तक तुम्हारे मियाँ की रात की ड्यूटी चलती है क्या? जी, रेलवे की नौकरी जो हुई। ओहो, ये भी क्या नौकरी है और क्या जिंदगी है, दिन को बीवी दफ्तर में और मियाँ घर में, और रात को मियाँ दफ्तर में और बीवी घर में। मगर एक तरह से अच्छा ही है, अपने आप ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बाबूजी, बाबूजी माफ करना मैं भूल गया, साहब ने आपको अंदर बुलाया था आपके पास। अंदर मौसम कैसा है? 50-50. 50-50? हाँ, आधा गर्म और आधा नरम। मेरी दुआ से ये रख मेरे टेबल पर है। आज की रात को दफ्तर आने में इतनी देर क्यों होती? अब मुझे देर नहीं होती साहब, आप ही कुछ जल्दी आ जाते हैं।
एक और बात भी है, आपको सिर्फ इस दुनिया का ख्याल है और मुझे दूसरी का भी। मैं रोज दफ्तर आने से पहले मंदिर जाता हूँ। क्या बताऊँ साहब, वहाँ भी राशन की दुकान की तरह क्यों लगे रहते हैं। जी प्रसाद लाए आपके लिए। थैंक यू सदराम जी। ये कुछ पुराने बिल हैं जो आपने चेक नहीं किए और नए बिलों पर अर्जेंट की मोहर लगा दी है कि फौरन पेमेंट की जाए, ये क्या बात है? देखूं मैं। कसूर मेरा नहीं है साहब, मेरे चश्मे का है। नंबर में कुछ गड़बड़ मालूम होती है, 10 का 11 नजर आता है और 11 का 111। आप अपना चश्मा बदल लीजिए वरना हमें अपना हेड क्लर्क बदलना होगा। अरे अरे अरे, की बोला भी भैया, घंटी सुनाई नहीं देती? मुझे तो घंटी सुनाई देती है गोपी, तुम्हें सड़क नहीं दिखाई देती। अरे नहीं, साइकिल का रोक जमा रहा है। क्यों ना जमाए, माल खर्चा क्या है? माल इतना माल खर्चा किया है? तुम पूछ के क्या करोगे, अंकल जी तुम्हें लेके थोड़ी ही देंगे। अच्छा ये बताओ, टूर पे जाने के लिए पैसे लाए हो? नहीं। क्यों? गाड़ी ने साफ इनकार कर दिया, कहते हो 50 रुपए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इस मुरली के बाप को देखो, तुम्हारे गाड़ी के नीचे काम करता है, वो अफसर है और ये हेड क्लर्क, फिर भी ये 50 रुपए चंदा लाया है और 20 रुपए खर्चा करने के लिए आया है। लेकिन 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 कुछ नहीं, असली बात तो ये है कि तुम्हारे गाड़ी एक नंबर के कंजूस है, उनके पास पैसे बहुत है मगर गांठ से निकालना नहीं चाहते। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्या कह रहे हो, अभी तो हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। समझे यार समझे, हिस्ट्री पढ़ के आज तक किसी का भला हुआ है? वही रिपीट करेंगे, अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, बाबर का बाप औरंगजेब। क्या क्या क्या, बाबर का बाप औरंगजेब, क्या कह रहे हो तुम? क्या फर्क पड़ता तेरे और मेरे लिए, कौन किसका बाप है कौन किसकी माँ, यही जानने लगे ना तो आधी जिंदगी बीत जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। रवि ये तुम्हारे मामा का लड़का भी कमाल है, क्या मजे करता है। चलो अरे यार तेरा इंतजार करते करते तो बोर हो रहे थे। अभी तू मुझे बोर मत कर, कल 2 दिन के बाद आज तू मुझे पिक्चर जाना है। अरे मूड में हो? अरे और नहीं तो क्या, ए लंबू चलो। अरे आज तो माल से माल टकराएगा। अरे दिन के वक्त सोता है, हाथ अटो नहीं हम रुस्तम मंसूर कंपनी से आटा। आटा? आटे का टेंडर खत्म हो गया, अब चावल का है। आटा नहीं, हाँ आटा है कमी। ओह फिर बैठो 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 बैठो। हाँ बोलो क्या बात। हमारा फाइल अभी तक अंदर नहीं गया। ओ फाइल, फाइल अंदर कैसे जाएगा जब तक उसको पहिए नहीं लगेंगे। पहिए? हाँ नहीं समझे, तुम यहाँ कैसे आए हो? कैसे? अरे मेरा मतलब है बस पे आए हो, टैक्सी पे आए हो, बाइसिकल पे आए हो? टैक्सी में। टैक्सी किस चीज पे चलती है? अरे टैक्सी चलती है पहिए पे, पहिए पे, और फाइल चलती है रू पहिए पे। समझे? समझ गया, तुम्हारा प्यून हमको पहले ही समझा दिया। वेरी गुड पांडो, अब आप जा सकते हैं। पांडो ये साहब का फाइल बड़े साहब के पास। थैंक यू थैंक यू। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा आपकी वजह से। अच्छा क्या नहीं देखा तो? बाबूजी गर्मी बहुत है, जरा टोपी उतार दीजिए। बनवाज कहीं का ले। कोई नहीं पूछने वाला तुम लोगों को। ओ जमुना
जमुना आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाबा सबके लिए सब कुछ लाओ, घबराओ नहीं। हो सीमा बेटी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ जल्दी आओ। देखो बेटी तेरे लिए क्या लाया हूँ, सिल्क की साड़ी ऊपर जरी का काम, ये ले। बाबूजी आपको मेरे लिए इतने रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, ये दुकानदार को वापस कर दीजिए। बस यही मेरी एक लाडली है इस घर में, जिसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उसे नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। दीदी के लिए साड़ी लाए, मेरे लिए घड़ी नहीं लाए। अरे रोता क्यों है, लाया हूँ घड़ी तेरे लिए भी, ये देख घड़ियों का गुरु घंटाल है, तारीख भी बताती है और दिन भी, और चाबी बाबी की बाग नहीं, ये ले। थैंक यू बाबूजी। जी तेरा बाबूजी मेरे चलिए इनका प्रा। अरे बेटी क्या तेरे लिए तो दूल आया हूँ, ये ले 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 ले। थैंक यू बाबूजी। जी तेरा बाबूजी मेरे लिए कब आएगा? अरे ओ बदमाश तू तो मेरा यार है, कैसे नहीं लाता, ये ले कहू भाई ड्रेस, और साथ में ये देख दो पिस्तौले, एक माँ को मारना और एक मुझे बाप को। थैंक यू बाबूजी। चल चल भाग। बोलो बोलो जी, बोलो जी। अरे बेटी तीन पहियों वाली साइकिल क्या, मैं तेरे लिए चार पहियों वाली मोटर लाया हूँ। ये रही ये। क्या लग रही है? बच्चों के लिए सब कुछ आ गया और बच्चों की माँ के लिए कुछ भी नहीं। अरे बच्चों की माँ के लिए वो चीज लाया हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगी। जरा आंखें बंद कर, करना नहीं। क्यों? जब भी आंखें बंद करती हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ये क्या है? पांच जिन्होंने घर को प्ले ग्राउंड बना रखा है। ओ बच्चे, अरे भगवान का शुक्र कर, छह और आने दे, पूरी क्रिकेट टीम अपनी हो जाएगी। है चल आ चल कर, करना करना। ये देखो खोल लो आगे। इतना सुंदर हाँ। देखो मैं कैसे लगती हूँ? बिल्कुल क्लोरोफॉर्म लगती है। अगर आप थैंक यू करो। थैंक यू? ऐसा थैंक यू नहीं, वैसा पहले वाला। अरे क्या बाबूजी, बाबूजी तू बीच में कहाँ आ गई है, मैं इस घर में पागल हो जाऊंगा। चल 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 चल। क्या हुआ, चोट तो नहीं आई? डैडी आप अब भी चलिए मेरे साथ। कहाँ? बाजार, मुझे बाइसाइकिल खरीद दीजिए। ओह बेटे वो अगले महीने खरीदें। आपने पिछले महीने मुझे ये कहा था। हाँ ठीक है, अगले महीने जरूर खरीदें। सौगंध का की कही है? बेटे छोटी छोटी बात के लिए सौगंध नहीं खाते। हाँ जी, ओ आज तो बिटिया को बड़ा प्यार आ रहा है हमारे ऊपर। डैडी अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं परी बन रही हूँ उसमें। हमारी बिटिया परी नहीं बनेगी तो और कौन बनेगी? और मुझे परी बनने के लिए एक नया टेरेबीन का फ्रॉक चाहिए। टीचर ने कहा है कि 50 रुपए में बन जाएगा। एक दिन के खेल के लिए 50 रुपए? नहीं बेटे इतने रुपए तो मेरे पास नहीं। फिर मुझे पार्ट भी नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता तो ना मिले, वही वक्त तुम पढ़ने लिखने में लगा लेना। तुम्हारे डैडी एक नंबर के कंजूस है। डैडी एक बात साफ साफ बताइए, मुझे अजंता एलोरा जाने के लिए 50 रुपए मिलेंगे या नहीं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन डैडी हमारे मास्टर जी कहते हैं इतिहास सीखने के लिए ऐतिहासिक जगह पर जाना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक जगहों पर जाने का एक तरीका और भी है। ये किताब खोलने की देर है, आदमी अजंता एलोरा पहुंच गया। इसमें यह भी लिखा है कि ये कितने 100 बरस में बने, कितने 100 बरस पहले बने। ये टूर तुम हर रोज कर सकते हो, न रास्ते की धूल, न सफर की थकान और न पैसे की बर्बादी। ये देखिए डैडी, दुनिया के बेहतरीन फल आदमी नहीं खा सकता है। जो बात इन फलों की है वही अजंता एलोरा की है।
मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। जानते हो इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल होता है? तुम्हारे इस टूर के लिए मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? महंगाई सारी दुनिया के लिए है डैडी, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप ही के दफ्तर में, आप ही के नीचे मेरे एक दोस्त मुरली का बाप साधुराम काम करता है। आपसे आधी तनख्वाह मिलती है उसे, लेकिन मुरली 50 रुपए चंदा भी दे चुका है और 20 रुपए साथ भी ले जा रहा है। साधुराम ये सब कैसे करता है वो साधुराम ही जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास 50 रुपए नहीं है तुम्हें देने। ठीक है, आपसे पैसे लेने का एक तरीका मैं और भी जानता हूँ। मेरे पास एक हथियार और भी है। हथियार? हाँ, वही हथियार जो गांधी जी ने चलाया और देश आजाद हो गया। सत्याग्रह, भूख हड़ताल। तब इस घर में सत्याग्रह शुरू होने वाला है। जानते भी हो भूख हड़ताल क्या होती है? 5 मिनट खाना मिलने में देर हो जाए तो तुम सारा घर सर पे उठा लेते हो। मैं भूखा रह के भी दिखाऊंगा। जब तक मेरी मांगे मानी नहीं जाएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बाप बेटे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? चलिए खाना तैयार है, चलो रवि। मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ। क्यों? पद्मा, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा बेटा भूख हड़ताल कर रहा है। जब तक इसे 50 रुपए नहीं मिलेंगे ये खाना नहीं खाएगा। ये क्या पागलपन रवि, चलो आराम से खाना खा लो। मैंने एक बार कह दिया माँ, मैं आज से भूख हड़ताल कर रहा हूँ। छोड़ो पद्मा, सत्याग्रही को मजबूर ना करो, दूसरे खाएंगे ये तमाशा देखेगा। रूपा राजा, चलो खाना खाने। हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? जब तक मुझे टेरालिन का फ्रॉक नहीं मिलता मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा, चलो राजा तुम खा लो, रवि और रूपा तो पागल हो गए। चलो जब तक साइकिल नहीं खाना नहीं। यहाँ तार नहीं ताना ही बिगड़ा हुआ है। पद्मा, तुम इन स्वयं सेवकों से क्यों उलझ रही हो? चलो मुझे खाना दो। सत्याग्रह इन्होंने किया है, मैंने तो नहीं किया। पर बच्चे बेचारे भूखे रहेंगे। कब तक भूखे रहेंगे? जब मुझे खाते हुए देखेंगे मुंह से राल टपक पड़ेगी। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो फौलाद जैसे इरादे मोम की तरह पिघल जाएंगे। चुप चुप। देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैडी भूखे उड़ गए खाने से, मेरे मुंह में भी अन्न का दाना नहीं गया। रूपा राजू भी तुम्हारी नकल कर रहे हैं। रूपा राजा की बात मैं नहीं जानता माँ, मैं इतना जानता हूँ जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरी अच्छी बेटी हो ना, हमेशा मेरी बात मानती हो। माँ, मैं आज भी सारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक बात नहीं मान सकती, मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा उठो बेटा, मुँह खोलो, खोलो ना, लो खाओ, खाओ ना, लो खाओ, खोलो ना।
हमारी शांति यात्रा कामयाब हुई? वो किसी तरह टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, रात को भूखे सोएंगे, सुबह तक जिद टूट जाएगी। अगर न टूटे तो? सुनो, उन्हें खरीद क्यों नहीं देते जो कुछ वो चाहते हैं? नहीं बदनाम, मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता। तो उन्हें सुधारने का यही एक तरीका है कि उन्हें भूख से मार डाला जाए? पद्मा, तुम समझती मैं उन्हें मार डालना चाहता हूं? सुनो, मैं उनकी मांगे पूरी कर सकता हूं, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। उनकी मांगे और बढ़ेंगी, मेरी तनख्वाह वही रहेगी। उन मांगों को पूरा करने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ेगा बाहर से। ये तुम पसंद करोगी? इसीलिए मैं उन्हें सिखाना चाहता हूं कि आदमी के पास जितनी चादर हो उससे बढ़कर पांव न फैलाए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे कैसे समझेंगे? उन्हें समझाना हमारा फर्ज है पद्मा। आज के बच्चे कल के शहरी हैं, कल बड़े होकर उन्हें अपने घर की, अपनी जिंदगी की, अपने देश की बागडोर संभाली। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल जो बिलख रहा है उसका क्या करो? तुम अपने दिल को समझाने की कोशिश करो जैसे मैं कर रहा। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है। रूपा, राजा, तुम खा लो, तुम्हें मेरी खातिर भूखा रहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी खातिर भूखी नहीं हूँ, मैं अपनी जगह अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मुझे जब फ्रॉक मिलेगा तभी खाऊंगी, मुझे भी जब साइकिल मिलेगी तभी मैं खाऊंगा। फिर वही बात ना, अरे मैंने गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? माँ, तुम डैडी को खिलाओ और खुद खा लो, मैं तभी खाऊंगा जब मुझे अजंता जाने के लिए चंदा मिलेगा। तो फिर उठो और अपने हाथों से पराठे बाहर कचरे में फेंक दो। मुझे मजबूर ना करो माँ। रवि, तुम हद से गुजर रहे हो और अपने साथ रूपा और राजा को भी बिगाड़ रहे हो। मैंने पहले कभी ऐसा किया है? मैंने तुम्हें कभी ऐसा मौका दिया है? दुनिया की कौन सी चीज है जो तुमने मांगी है और तुम्हें नहीं मिली? मुझे टूर पर जाने के लिए पैसे मिले हैं, मुझे फ्रॉक मिला है, मुझे साइकिल मिली है दबियों वाली। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। तुम्हारा मतलब है यहाँ अंधेर गर्दी मची हुई है? मैं तुम्हें जनता लोरा नहीं जाने देता, लेकिन खुद हर साल कुल्लू और कश्मीर की सैर करता हूँ। तुम्हारी माँ रूपा को ड्रामे के लिए नया फ्रॉक खरीद कर नहीं देती, लेकिन अपने लिए हर हफ्ते रेशम और जरी की साड़ियां खरीदती है। हम दोनों सांप की तरह धन दौलत पर फन फैलाए बैठे हैं और तुम्हारे हाथ पर एक कौड़ी नहीं रखते। तुम यही कहना चाहते हो? मैं इतना जानता हूँ डैडी, मुरली के बाप को आपसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है, आपके तीन बच्चे उसके पांच, फिर भी पांचों को जितना मिलता है हमें उसका आधा भी नहीं मिलता। आप उनके घर जाके देख सकते हैं मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच तो इतना है डैडी, पैसे आपके पास हैं और पैसे आप खर्चना नहीं चाहते। आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन सच्चाई का गला नहीं रोक सकते। तुम्हारी हिम्मत अपने डैडी के सामने मुंह खोला है क्या? यही सिखा है तुमने स्कूल में? बता, ये क्या, छोटे ने जबान चलाई, बड़े ने हाथ चला दिया, दोनों में फर्क क्या रहा? रवि, यहां आओ मेरे साथ, बैठो बैठो। रवि, अब तुम बच्चे नहीं, हाई स्कूल में पढ़ते, मैं तुम्हें अपने बराबर का समझकर एक दोस्त की तरह तुमसे बात करना चाहता हूं, और तुम भी एक बच्चे की तरह नहीं, एक मर्द की तरह मेरी बात सुनो
और समझने की कोशिश करो। रवि, मैंने अपनी सारी जिंदगी में न छोटी से छोटी और न बड़ी से बड़ी बात के लिए कभी झूठ बोला है, और ना आज बोल रहा हूं। मैं तुम्हें टूर पर भेज सकता हूं, रूपा के लिए फ्रॉक भी खरीद सकता हूं, राजा के लिए साइकिल भी, लेकिन ऐसा करने के लिए या तो मुझे बेईमानी करनी पड़ेगी या किसी साहूकार से कर्जा लेना पड़ेगा। इसकी क्या जरूरत है? आपको 700 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो पूरी क्यों नहीं होती? कैसे पूरी होगी? प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स वगैरह कट जाने के बाद तुम्हें मालूम है हाथ में क्या आता है? जानता हूँ, 600 रुपये। तुम समझते हो 600 रुपये बड़ी दौलत होती है? जानते हो रुपये की आजकल क्या कीमत है? मैं सब जानता हूँ डैडी। अच्छी बात है। रवि, आज से ये घर तुम चलाओगे। मैं हर महीने अपनी तनख्वाह लाऊंगा और तुम्हारे हवाले कर दूंगा। घर का खर्च भी पद्मा तुमसे मांगेगी, स्कूल की फीसें तुम दोगे। मुझे दफ्तर जाने के लिए बस का किराया और सिगरेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो भी मैं तुमसे मांगूंगा। अगर महीने के आखिर में कुछ बच जाएगा तो तुम जो चाहो खरीद सकते हो। बोलो, मंजूर है? बोलो। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे नाजुक कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो। जरा सोचो तो, ये छोटा सा बच्चा ये सब कैसे करेगा? पद्मा, अच्छा होगा आज तुम बाप और बेटे के दरमियान मत आओ। कई बार बचपन और जवानी में सिर्फ एक कदम का फासला होता है। तुम्हारा बेटा जितनी जल्दी वो कदम उठा ले उतना ही अच्छा है। रवि, जो बात एक देश की होती है वही एक घर की भी होती है। तुम ऐसा समझो, आज तुम्हें इस घर का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। आज से यहां जो कुछ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, स्याह होगा, सफेद होगा, सब तुम्हारी मर्जी से होगा। बोलो, मंजूर है? बोलो। कैसे मंजूर है? मुझे सोचने दो। तो सोचने की क्या बात है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा रेडी, मुझे मंजूर है। शाबाश, लाओ मिलाओ। लेकिन सुनो, ये इंतजाम सिर्फ एक महीना नहीं, पूरे 6 महीने तक चलेगा। ठीक है। गुड। चलो अच्छा हुआ, इस घर में सत्याग्रह तो खत्म हुआ। हाँ। अपने डैडी के पांव पर। नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। चलो नाश्ता। चलो राजा। राजा कहाँ? राजा। आई लव यू, मम्मी कहती है आई लव यू, गोपी कहता है आई लव यू यू यू। गोपी, अरे क्या कर रहा है बेटा? पढ़ रहा हूँ माँ, पढ़ रहा हूँ। इम्तिहान जो सर पे आ गया है। ओ, जरा मैं भी तो सुनू क्या पढ़ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी माँ, ये तो इंग्लिश की पोएट्री है। अरे तेरी इंग्लिश पटरी समझ नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती हूँ। तो सुना, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. मेरा बेटा, अब तुम बोल के बता माँ। Jack and Jill. नहीं नहीं नहीं, मुझसे तेरी अंग्रेजी पटरी नहीं बोली जाती। एक एक शब्द ऐसा है जैसे आदमी लोहे के चने चबा रहा हो। माँ, तुम ये सोचो मेरा क्या हाल होता होगा, मुझे तो हर रोज ये लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। मेरा बेटा। रवि, ये क्या है रेडी? खोल कर देखो। रुपए? हाँ रवि, मेरी तनख्वाह, प्रोविडेंट फंड वगैरह कट जाने के बाद 630 रुपए बचे। अब इसमें से 50 रुपए तुम मुझे दे दो, सिगरेट के लिए और बस के किराए के लिए, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। ये लीजिए। थैंक यू। भैया भैया, मैं प्रॉफ के पैसे अभी दे दो और मेरी साइकिल कह दी। नहीं नहीं नहीं, पहले हमें इस महीने का बजट बनाना होगा। बजट? तुम एक मिनट में बना सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हिसाब में बहुत कमजोर हो।
तू फर्स्ट आती हो एग्जाम में? जरूर आती हूँ। जेडी रहती हूँ। अरे अरे ये क्या, तुमने अभी से लड़ना शुरू कर दिया? इस वक्त हमें मिलजुल के एक साथ काम करना चाहिए। हम सब मिलके बजट बनाएंगे। चलो पहले माँ से पूछ लेते हैं उसे महीने भर के लिए क्या चाहिए। अरे ये कागज पेन से लेकर क्यों आ गए? मुझे लिखवा दो माँ, तुम्हें महीने भर में क्या राशन चाहिए, कितना आटा, कौन सी दाल, कितना घी, कितनी शक्कर। जल्दी बताओ माँ, हमें बजट बनाना है। बजट? ओह रवि, मैं अभी तुम्हें कहती हूँ इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। होने दो माँ, मर्द जो कदम उठाता है पीछे नहीं हटाता। तुम मुझे लिख दो। अच्छा तरीका, 15 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 5 किलो शक्कर।
पद्मा, देखो तुम्हारे भाई साहब आए हैं। भाई साहब ये भी क्या तकल्लुफ है, हर बार आप फलों के टोकरे उठा लाते। तुमने सुना नहीं शंकरनाथ, आदमी को बहन के घर में और भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम भी तो हमारे पुरोहित हो भाई। कैसे है भैया, गोपी कैसा है, मेरी भाभी का क्या हाल है? क्या हाल होगा, वही रफ्तार बेडंगी जो पहले थी सो अभी है। मैं चाय ले आती हूं। मामा जी। राजा, हमला बाद में, पहले मामा जी को नमस्कार करो। नमस्ते मामा जी। जी तेरे बेटा रूपा रवि नहीं है? वो बाद में आएंगे, मेरी जल्दी छुट्टी हो गई, मेरे मास्टर भी बीमार है। अच्छा, मुझे बाबा जी। क्या बात है भाई? मुझे 10 रुपए की जरूरत है बाबू जी, अगले महीने हिसाब में से काट लीजिएगा। भाई हमारा खजानची अभी नहीं आया, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, अभी आता हूँ। लो आ गया। नमस्ते मामा जी। जी तेरे बेटी रवि, पहले दूध वाले भैया की बात सुनो। क्या है भैया? मुझे 10 रुपए चाहिए बाबूजी। क्यों, तुम्हें बिल नहीं मिला पिछले महीने का? वो तो मिल गया, पर अचानक एक जरूरत आन पड़ी। डैडी दे दू? रवि तुम खुद फैसला करो, मुझसे क्या पूछते हो। अच्छा अब की बार दे देता हूँ, लेकिन याद रखो आगे से पेशगी नहीं मिलेगी। शंकरनाथ मैं क्या देख रहा हूँ? इनकलाब भाई साहब, आजकल घर रवि चला रहा है। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। मैंने शिकायत करने वालों को ही लाकर गद्दी पर बिठा दी। बहुत अच्छा किया शंकरनाथ, बहुत अच्छा किया। तुम आदमी समझदार हो और संतान भी अच्छी मिली है तुम्हें। तुम्हारे बच्चे पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं और एक लाल हमारे घर में पैदा हुआ है गोपी, जो रुपए इस तरह लुटाता है जैसे उसका बाप कहीं का राजा महाराजा हो। मैं ये 2 रुपए आया। ये मेरे 2 रुपये। मैं 4 रुपए आया। मैं भी 4 रुपए आया। 40 रुपए बचे हैं। क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही? ये देखिए डैडी, हमारी पिछले महीने की बचत, सारे खर्च के बाद हमारे पास पूरे 40 रुपए बचे हैं। हाँ डैडी, अगर हर महीने इसी तरह 40 रुपए बच जाए तो 6 महीने में हमारे पास 240 रुपए जमा हो जाए, तो मैं साइकिल खरीद सकता हूँ, मेरा फ्रॉक भी आ सकता है। क्यों नहीं, लेकिन जिस जिसको जो कुछ देना था दे दिया ना? हाँ डैडी। बनिया का बिल? हाँ। दूध वाले के पैसे? हाँ। बिजली का बिल? धोबी के पैसे? वो तो मैं भूल ही गया, 22 रुपए बिजली का बिल और 11 रुपए धोबी के। इसका मतलब है हमारी बजट फुल हो गई। मेरा फ्रॉक भी, मेरी साइकिल भी। तो फिकर ना करो, अभी 5 महीने बाकी पड़े हैं। क्या बात।
पिछले महीने ना फायदा हुआ था ना नुकसान, इस महीने के बजट में साफ घाटा पड़ रहा है 50 रुपए। आइडिया। क्या? हम नौकरानी को क्यों ना निकाल दें? 30 रुपए तो तनख्वाह बचेगी, खाना पीना अलग। बिल्कुल ठीक। माँ कहेगी सुबह 1 कप चाय पीते हैं, इसको 2 कप चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये चली जाएगी तो माँ को बहुत काम करना पड़ेगा। माँ को क्यों? हमारे हाथ टूटे हुए क्या? मैं घर में झाड़ू दे सकती हूँ, बर्तन ला सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी कपड़े धो सकता हूँ, इस्त्री कर सकता हूँ। मैं बाजार से दाल आटा भाजी सब ला सकता हूँ। अरे बस बस बस, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम लोग सब दूध पी लो। तुम आज ही सारा हिसाब दीदी के हाथ में दे दो और अपनी जान छुड़ाओ। घर पहले भी तो चलता था। क्या खास चलता था? अभी तक मुझे साइकिल नहीं मिली, मुझे फ्रॉक नहीं मिला, मुझे डूबे जाने के लिए पैसे नहीं मिले। वहाँ पर अभी तुम्हें क्या मिला है सिवाय सर दर्द के? हमें एक चीज मिली है माँ। वो क्या? उम्मीद। यार ये गोपी का बच्चा ना जाने कहाँ डूब मरा है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। बात यह है प्यारे, आजकल उसका आधा दिल पत्तों में और आधा दिल सिनेमा में रहता है। करेक्ट। हाँ यार, वो टिंगू बोलता मैं एक्टर बनूंगा, एक्टर एक्टर, वो लंगूर की सूरत का। होगा, होगा, होगा। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, डम डम।
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम, तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम, तिरकिट धुम ताता, नगत धुम धुम धाधी धाधी नगत धुम धुम ताना नना धुम धुम ताना नना कांत कांत धाधा धाधा ए ला 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 ते ताना ना 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 यक चतुर नार कर के सिंगार, यक चतुर नार कर के खेलने के दिन है या सब काम करने के? पद्मा, जिंदगी लड़ाई का मैदान है और तुम्हारे बच्चे अच्छे सिपाही बनने की तैयारी कर रहे हैं। मर्द सचमुच बड़े पत्थर दिल होते हैं। सुनो, तुम्हें मेरे दिल में रहते हुए 20 बरस हो गए। बताओ, वाकई ये पत्थर का बना हुआ है? तुम्हारे घर में है? ये तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वही जो आप देख रहे हैं, आजकल घर का कामकाज नौकरानी नहीं, बच्चे खुद करते हैं। तो? बच्चे कहते हैं घर का काम खुद करने से हमें हर महीने 50 रुपए की बचत होगी। अच्छा भैया, अब आप इन्हें समझाइए ना। हम कौन होते हैं इन्हें समझाने वाले, हमें खुद इनसे कुछ सीखना चाहिए। लो, आप भी यही कह रहे हैं। हाँ पद्मा, दुनिया में काम करना शर्म की बात नहीं, काम न करना शर्म की बात है। इंसान की तकदीर उसके हाथ की लकीरों में नहीं होती, बल्कि उसके अपने हाथ में होती है। वो चाहे तो उसे बना सकता है, जिसे तुम्हारे बच्चे बना रहे हैं, या उसे बिगाड़ भी सकता है, जैसे हमारा गोपी बिगाड़ रहा है। चल चल बबले, चल जा शो को शो, अरे शो का शो के बच्चे। क्यों मार रहे हैं उसने, क्या कसूर किया? सूरज सर पे आ गया, ये सो रहा है। ओह, रात भर दोस्तों के संग पढ़ता जो रहा बेचारा। दोस्तों के साथ यही पढ़ता होगा ना, एक चाल मेरी आई, एक चाल तेरी आई, सिंगल डबल शो, उठाए मान लो। देखो जी, तुम लाते बहुत चलाते हो, मेरी तरह 9 महीने कोख में रखा होता तो मालूम होता बेटा क्या होता है। मुझे तो मालूम है, पर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम रावण पाले ही हो घर में। एक बार मेरी बहन के घर जाकर देखो बच्चे कैसे होते। मुझे देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बहन कौशल्या है,
और तुम्हारी बहन के बेटे राम और लक्ष्मण, तुम्हारी तो कुछ आदत ही हो गई है, जब कभी अपनी बहन के यहाँ से आते हो उसके चूल्हे की राख ले आते हो मेरे सर पर डालने के लिए। तो फिर भगवान जो तुम्हारे जी में आए वही करो, जब तक मेरा सब जवाब नहीं देता मैं भी बर्दाश्त करूंगा। लो बेटा चाय पी लो। बेटा चाय? हाँ बेटा। देखा बेटा मुझे तेरे लिए क्या क्या सुनना पड़ता है। माँ तुम भी वही क्या करो जो मैं करता हूँ, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दिया करो। न जाने बुढ़ापे में आदमी इतनी बकबक क्यों करता है। माँ थोड़ी देर के लिए मैं और सो जाता हूँ। हाँ। रात को इतना खेला इतना पढ़ा है माँ कि अभी तक आंखें दुख रही। माँ ओके मम्मी दिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो छू सकते हो नभ के तारे। दिगो न चाय की पत्ती खत्म हो गई है, अभी आ जाती है माँ। राजा क्या है भैया? मुझे एक कविता याद करनी है, तुम जाके बनिए की दुकान से एक बड़ा चाय का पैकेट ले आओ। अच्छा भैया। 10 का नोट है ये, बाकी के पैसे ठीक कर ले आना। मैं एक पैसा गिन के लाऊंगा भैया। भैया हाँ बिस्किट ये लो 10 पैसे। लक्की डबल 5 किसका भाई उठाओ डबल ले बाबा। ये ले भैया ये 60 पैसा ले। अच्छा 6 नंबर किसका बाबा? 6 नंबर दोनों ढोल पे है। और किसका? ये ले बच्चा ये ले ये ले। चलो भाई चलो भाई उठाओ चलो रही दादा चलो नहीं अभी लगाओ अभी पाओ बोलो भाई चलो अब आया लक्की नंबर। चलो चलो लगाओ बाबा रुपए चलो भाई रुपए। अरे डरता क्या है अभी सिपाही नहीं जादू नहीं टोना नहीं अभी लगाओ अभी पाओ अरे चलो भाई। अरे पुलिस भाई 1 नंबर खाली पुलिस आ गई। अरे फोन क्या हुआ? वो लग मेरे 10 रुपए लेके चले गए। ये छोटे बच्चों के जुआ खेलते हो? चलो अपने घर। हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर तक संकट तूफान। राजा अभी तक नहीं आया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी आ जाएगा माँ। इतनी देर हो गई है, तुमने उसे क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं चले गए? मैं पढ़ रहा था माँ, तुम चिंता ना करो मैं खुद जाके जाता हूँ। सेठ जी मेरा छोटा भाई राजा चले के गया यहाँ से। राजा वो तो आए नहीं यहाँ। क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? राजा चाय की पत्ती लेने कब से बनिए की दुकान पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। रवि कहाँ? रवि उसे ढूंढने गया है। आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। माँ बनिया कहता है राजा गया नहीं उसकी दुकान पे। दुकान पे नहीं गया तो फिर गया कहाँ? कहाँ गया होगा, कहीं रास्ते में खेल कूद में चुट गया होगा, बच्चा ही तो है। रवि तुमने अच्छी तरह देखा सड़क पर? हाँ डैडी मैंने खूब अच्छी तरह देखा लेकिन कहीं नजर नहीं आया। सुना है शहर में गुंडों की टोली आई हुई है जो बच्चों को उठा के ले जाती है, कहीं मेरे राजा को। लो और सुनो, अरे भगवान तुम्हारे बेटे को कोई उठाकर नहीं ले जाए। रवि तुम जाकर देखो राजा कहीं अपने किसी दोस्त के घर तो नहीं चला गया। अभी जाता हूँ डैडी। और सुनो मामा जी के घर और साधु राम के घर भी देख लेना। अच्छा डैडी। राजा
रास्ते में आंधी की तरह मात्रे चलती, लारियां चलती है। अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पद्मा, तुम तो खामखा राई का पहाड़ बना रही हो। विश्वास रखो, राजा को कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी तो उसका बाप हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मुझे उसकी चिंता ना होती। ओहो, अच्छा बाबा तुम रो मत, मैं भी जाता हूँ फिर। देखा माँ, वो कहीं नहीं मिला। न वो मामा जी के घर गए, न किसी दोस्त के घर। तो फिर गया कहाँ? भगवान, तू तो जग का रखवाला है, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। हे भगवान, मेरा बच्चा खो गया है, पता नहीं वो कहाँ है। अब उसे तुम्हारा ही सहारा है भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। सामने आते हुए शर्मा रहा। कभी नहीं खेलूंगा। सोचो, हमें इस महीने में जो घाटा पड़ा है वो अगले महीने पूरा कैसे होगा? मैं वही तो सोच रही हूँ। मैंने पहले ही सोच लिया है। क्या? मैं स्कूल बस में जाने के बजाय पैदल जाऊंगा। क्यों? बस का किराया बचेगा, नुकसान भी तो मैंने किया है। ठीक है, हम सब स्कूल पैदल जाएंगे। यहाँ फायदे और नुकसान में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। क्यों रूपा? बिल्कुल ठीक। अंदर क्या साफ ध्यान कर रहे हैं? मुझे जरा साथ। साहब अभी नहीं आए, आप मुझसे मिल लीजिए। इधर आइए, इधर आइए। देखिए लक्ष्मीदास जी आज तो रोज मंदिर जाते हैं, मालूम नहीं भगवान बाद में मिलते हैं पहले पुजारी है। आइए मेरे दादा, ये तुम है मुंशी जी। नमस्ते नमस्ते, आप वहाँ बेंच पर बैठ जाइए, हम जरा प्राइवेट बात करना चाहते हैं। जाइए जाइए। लक्ष्मीदास जी, मैं आपको लाख रुपए की बात बताता हूँ। नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा ये और दूसरा किनारा वो, और बीच में पड़ती है। ओ नो नो, तुम मुझसे रिश्वत मांग रहे हो? आप इसे रिश्वत कहते हैं जी? दुनिया में हर चीज रिश्वत है। लीडर इलेक्शन के वक्त जो वादे करते हैं वो भी रिश्वत है, और इलेक्शन के बाद हम उनके गले में हार डालते हैं वो भी रिश्वत है। हम अपनी बीवी को जेवर देते हैं वो भी रिश्वत है, और बीवी जो गेहूं लेकर आती है वो भी रिश्वत है। ऐसे सैकड़ों रिश्वतें हैं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप मेरी बात जरा गौर सुनिए। आपने 50,000 का टेंडर दिया है तो 25,000 का काम है, 25,000 का है मुनाफा सेठ।
अकेले निकलोगे तो उबल दोगे अगर शहर के पहुंचने की कोशिश करें। भगवान तुम्हें बचाए। होते सारे देश में सोशलिज्म की हवा फैल रही है। नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सबके माल में सबका हिस्सा है। आप बोलो थे तुम्हें मेरा सोशलिज्म मंजूर है या नहीं? अगर जल्दी बोलो कोई और आ जाएगा बोल तो क्या बात करना आपकी दुआ से। ओ साधु राम जी आज तो बहुत जल्दी आ गए। जी हाँ कुछ काम बाकी था इसलिए आना पड़ गया। अच्छा जी वेरी गुड। नमस्ते जी। जल्दी निकालो जल्दी। ये लिफाफा भी आपकी तरह कमजोर है। जैसे आप वजन में कमजोर हैं वैसे लिफाफा है। इसका वजन बढ़ाओ से वजन बढ़ाओ। हाँ वजन बढ़ाओ जल्दी करो जल्दी करो। नीचे जल्दी करो। अब आप जा सकते हैं आपका काम हो जाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते डैडी आप यहाँ बैठे? इतनी ठंडी हवा चल रही थी जरा बैठ गया सस्ताने के लिए। आप सबसे से पैदल चल के आ रहे हैं? हाँ बेटे लेकिन तुम भी तो स्कूल से पैदल। बस का किराया बचाने के लिए। तुम चलते देखो तो सही वो कैसे हाँप रहे। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। इस बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा था बच्चों से मुकाबला करने का जो दफ्तर से पैदल चल के आए। डैडी आप उठिए और चलिए मेरे साथ। चलिए तो। अरे चला आप चलो मेरे साथ। कहाँ डैडी पहले आप भगवान से माफी मांगिए और फिर वचन दीजिए तब आप दफ्तर से पैदल चल के नहीं आएंगे। राजू यार एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझे भगवान के सामने कर दीजिए। हमारे लिए छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। आप वचन दीजिए। बिल्कुल ठीक कहता है। अच्छा बाबा ये वचन देता है कि आप दफ्तर से पैदल चलकर कहीं नहीं आएंगे। थोड़ा भी बहुत काम पड़े हैं। काम काम एक मिनट मेरे साथ बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। बातें करते करते तो सारी जिंदगी गुजार अब कौन सी बात बाकी रह गई है। मैं तो बुढ़ा हो गया लेकिन तुम अभी नई नवेली दुल्हन वाली होती हो। तो शर्माती हूँ कैसे लगता है जैसे काले में गुलाब है। तुम भी कमाल चीज हो दूसरों की शादी का कार्ड देखकर उदास हो रही हो। ए अपना वक्त याद आ रहा है क्या? मुझे अपना वक्त नहीं याद आ रहा है। मुझे तो अपनी लड़की की चिंता लगी हुई है। अब वो जवान हो गई है हमें उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अरे हम कौन होते हैं सोचने वाले। जोड़े बनाना तो ऊपर वाले का काम है आदमी का काम है कोशिश करना वो मैं जरूर करूँगा। हाँ 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 तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। सीमा ने लड़का खुद ढूंढ लिया है। सीमा ने? और क्या लड़का है खूबसूरत है पढ़ा लिखा है अच्छे खानदान का है और पैसे वाला भी है इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। ओ, फिर तो काली मैं उसके बाप से मिलता हूँ। इनसे कहाँ मिलोगे हा? वो तो ऊपर भगवान के पास है। तो तुम कहती हो तो ऊपर जाकर मिल लूं। शुभ शुभ बोलो जी। देखो लड़के की सिर्फ माँ है उसे जाकर मिलाना। लड़के की माँ नीचे रहती है कि वो भी ऊपर। तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सोचता है। मेरा मतलब है कि इसी शहर में रहती है ना तो फिर उसका पता बता दे दो। मुझे उसका पता नहीं मालूम मैं सीमा से पूछकर बताऊंगी ठीक है। अच्छा अच्छा
खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़िया बात ये कि हमारी बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, मुझसे माँ तक, माँ से बापूजी तक। सुना, आज बाबूजी माँ से तुम्हारा पता पूछ रहे थे। इसलिए? वो आजकल में ही तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तुम्हारी माँ से रिश्ते की बात छेड़ने। आहा, फिर तुम्हें 21 तोपों की सलामी से उनका स्वागत करूंगा। तुम्हें मजाक सोच रहा है और मेरा दिल थक थक कर रहा है। वो क्यों? वही तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया तो? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी अच्छा है, देखिए ये देखिए। क्या हो रहा है माँ? तुम लोगों के लिए कपड़े देख रही हूँ, दिवाली तो आ रही है। इस फिजूल खर्च की क्या जरूरत है माँ, हमारे पास पिछली दिवाली के कपड़े जो पड़े हैं। बेटे, दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है, अगर आदमी त्योहार पर भी अच्छा खाए नहीं, अच्छा पहने नहीं, तो फिर क्या फायदा उस त्योहार का। तुम अपने लिए साड़ी शौक से खरीद सकती हो माँ, और डैडी के लिए सूट का कपड़ा, हम अगले साल ले लेंगे। क्यों रूपा, राजा? बिल्कुल ठीक। देख लिया भैया, अब अगली दिवाली पर ही आना, आजकल तो यहाँ बच्चों का राज है। बहुत अच्छा जी। आइडिया। क्या? तुमने कपड़े के रुपए बचा लिए, बहुत अच्छा किया, अब हम दिवाली पर ढेर सारे पटाखे खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दिवाली पे आतिशबाजी एक फजूल पुराना रिवाज है, हिंदुस्तान में एक रात में करोड़ों रुपए को आग लगा दी जाती है इस तरह। लेकिन मजा कितना आता है, क्या खास मजा आता है? एक सेकंड का धमाका हुआ, जरा सा धुआं और खेल खत्म। तुम्हें धमाके का ही शौक है तो साथ वाले घर में काफी पटाखे छूटेंगे, तुम सुन सुन के खुश हो लेना। आहा, क्या खुशी इस तरह मिलती है कभी? बोले तुम छोड़ो, मजा मुझे आए, खाना तुम खाओ, पेट मेरा भरे। मेरी इस महीने की तनख्वाह। ये लीजिए डैडी, आपके सिगरेट और बस के पैसे। ना, बस के 20 रुपए मुझे दे दो और सिगरेट के पैसे रहने दो। क्यों? क्योंकि आज से, अब से मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। डैडी, ये भी तो एक किस्म की आतिशबाजी है ना रूपा, सिगरेट सुलगाया, दो चार कश लिए, थोड़ा धुआं उठा, खेल खत्म। लेकिन आपको हमारी खातिर कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। कुर्बानी नहीं बेटे, ये तो मेरी खुदगर्जी है, पैसे से ज्यादा मैं अपनी सेहत बचाना चाहता हूँ। मेरे भतीजे सुरेंद्र की लिखा है, दिवाली की छुट्टियों में वो यहाँ आना चाहता है अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर, आएगा तो कुछ दिन ठहरेगा भी। कभी बोलो क्या जवाब देना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं डैडी? वही, आजकल घर तो तुम ही चला रहे हो, फैसला तो तुम्ही को करना है, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर मेहमान आएंगे तो खर्च और बढ़ेगा। लेकिन बेटे, हम उन्हें इतना नहीं लिख सकते कि वो ना आए, भरे बसे घर में मेहमान तो आते ही है, और वो भी खास करके त्योहार के मौके पर। अच्छा डैडी, आप उन्हें लिख दीजिए, वो जरूर आए। टेंडर का मामला लड़की की शादी की तरह होता है, जो आपने मुझे दिया था वो शगुन था, दहेज नहीं था। शादी टूट जाती है तो दहेज लौटाया जाता है, शगुन नहीं। घबराते क्यों, अगले मिनी टेंडर फिर खुलने वाले हैं, मैं आपका काम उस वक्त मुक्ति कर दूंगा। तुम्हारी नाव में मैंने बैठ के देख लिया था गुलाम, वो कागज के लिए, अब हम दूसरे किनारे पर खुद तैर के पहुंचने की कोशिश करेंगे। भगवान तुम्हें बचाए, होते खाओगे से। राजा, देखो कितने ढेर सारे पटाखे आए हैं, तुम्ही लोगों के लिए तो है। कपास
नमस्ते साहब, मैं लक्ष्मी दासन कंपनी से आया हूँ। ये सेठ जी ने भेजे हैं। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये सेठ जी ने अपनी तरफ से भेजे हैं। दिवाली आ रही है साहब, और बच्चों को शौक होता है। हमारे बच्चों को शौक होगा तो हम खुद बाजार से जाकर खरीद लें। आप बाजार जाने की तकलीफ क्यों करें? सेठ जी ने यही सोचकर तो भेजे हैं। हमारे सेठ को मालूम नहीं मैं रिश्वत नहीं लेता? राम 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 राम, आप इसे रिश्वत देते हैं? ये तो छोटा सा तोहफा है साहब। तुम उठाओ ये छोटा सा तोहफा और ले जाओ अपने सेठ के पास। छोटे छोटे तोहफों ने इस महान देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। आजा वापस, आजा। तुम उठाओ ना इसे, देख क्या रहे हो? उठाओ ले जाओ। दिवाली के लिए मिठाई ना सही, लेकिन राजा के लिए पटाखे जरूर लाना। हाँ, भूलना नहीं। जरूर लाना। करने की जरूरत नहीं, चंद्रों में ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर साहब अब आपको फीस भी देनी होगी। मेरे पास तो 100 रुपए का नोट है, आपके पास छुट्टा है? सॉरी मेरे पास चेंज नहीं है। डॉक्टर साहब की फीस दे देना। डॉक्टर साहब आपको क्या देना होगा? 20 रुपए दे दीजिए। ये कमाल है, फटाके भी हमारे जिले और पैसे भी हमारे। आज हम सिनेमा देखेंगे रोमियो एंड जूलियट। Come on, my Juliet. Let me finish this letter. Oh, जब तक तुम्हारा ये letter finish होगा, तब तक वहाँ ticket finish हो जाएगा. Come on, it's a story of you and me, my Juliet. Come on, please, please. Come on. बाबूजी, बाहर आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है आपकी दुआ से. कौन सा दोस्त? वही जो हर महीने दफ्तर के बाहर इस तरह आ जाता है जैसे हफ्ते में इतवार आता है। वो सूदखोर पठान? आपकी दुआ से आज तो उसकी मूछें और तनी हुई, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं, हाथ में इतना लंबा डंडा है और बगल में इतना बड़ा छुरा। अरे बाप रे, आपकी दुआ से। और कहता था या तो आज पैसे लेकर के जाऊंगा या लाले की जान। पांडुराम मुझे किसी भी तरफ बताओ, उसको बोलो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर गया हूँ। ठीक है आप मर जाइए, मगर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि काम बड़ी जोखिम का है आपकी दुआ से। अगर उसको मालूम हो गया कि मैंने झूठ बोला है तो मेरी गर्दन। और आप तो जानते हैं बाबूजी, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। पांडुराम उसको किसी भी तरह यहाँ से भगाओ, मेरे लिए कुछ तो करो। आप तो जल्दी करो पांडुराम। कुछ नहीं। अरे पांडु, मैंने भी तेरी तरह कुछ नहीं देखा। अरे घनश्याम, ओ घनश्याम, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन तू घुलता जा रहा है, गलता जा रहा है, कुछ खाता नहीं है क्या? जी मैं सब चीज खाता हूँ, उसके साथ विटामिन की गोली भी खाता हूँ, ABCD। विटामिन आर भी खाता है या नहीं? आर क्या चीज होती है? आर नहीं समझता, विटामिन आर होता है रिश्वत। रिश्वत? देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे घर में तेरी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है और तनख्वाह कम है और महंगाई का जमाना है, गुजारा नहीं होता। अगर विटामिन आर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। वो खाना शुरू कर दे, ना पठान का डर रहेगा और ना घर में महंगाई का। सोचो इस बात। अरे तो उसमें क्या, वो अगले साल फिर आ जाएंगे, फिर लंबे ठहरेंगे। टैक्सी आ गई। अच्छा तो चाची वो चलते। बच्चों के लिए कुछ खरीद। अरे वाह, अरे सामान किधर गया? सामान पहुंच गया है टैक्सी में। जल्दी आइए, ट्रेन का वक्त हो रहा है। अरे वाह, क्या चाहे बच्चे हैं, वाह। अरे बचपन में मैं भी ऐसा ही था, बहुत। अरे बेटे तुम लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अच्छा बेटे चलते हैं। अच्छा तो चाचा जी फिर नमस्ते। अच्छा सुनाओ, तो हमारी यहाँ इतनी खातिर हुई है, आप बच्चों के हाथ में एक रुपया तो रखिए। अभी आप तो कुछ समझते ही नहीं। लेकिन मैं रखूं कहाँ से? मेरे पास तो ये 100 का नोट है, वो मैं। नहीं सुरेंद्र, तुम भी तो अपने ही बच्चे हो। ये बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही का बच्चा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन चाचा जी वो टैक्सी वाले के पास भी शायद छुट्टा मिले कि ना मिले। अरे भैया तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो बार बार, बड़ी शर्म आ रही है मुझे, लेकिन क्या करूं, छुट्टा नहीं मिल रहा ना। अच्छा अब हम चलते हैं। साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। क्या बात है साधु जी? बात यह है कि कल मेरी बेटी सीमा की सगाई है। अजी मैं चाहता हूँ कि आप आकर उसे आशीर्वाद दें। हाँ जरूर आएंगे, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भी है। मगर साहब अकेले मत आइएगा, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ लाइएगा। मैंने घर पे बोल दिया है मेरी धर्म पत्नी आपकी धर्म पत्नी के पास न्योता देने जाएगी। अच्छा। ये बेच तो बहन, दामाद के लिए सूट का कपड़ा, अंगूठी और ये सोने की घड़ी। हमने न तो सोना देखा और न चांदी, हमने तो सिर्फ लड़की देखी और लड़की हमें बहुत पसंद है। लो बेटी, अब फिर किस बात की? शगन दीजिए ना। बहन जी मैं जरा अपने दफ्तर के मैनेजर का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए। अरे वो आ गए, आइए आइए ना। आओ आओ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी। आओ
साहब आप मकान देख रहे हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये मेरी पत्नी जहेज में लेकर आई है। ओह अच्छी। भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। चाचा जी सुरेश जीतर हो बेटा। आप इनको पहले से ही जानते हैं? इसके पिता प्रेमचंद जी तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्र थे। ओ, फिर तो डबल खुशी की बात हो गई साहब। आज से आप भी हमारे रिश्तेदार हो गए। देख लेना साधुराम, बारात में हम भी गुलाबी पगड़ी बांधकर भंगड़ा नाचते हुए आएंगे। सुरेश सुन तो। क्या है माँ? सुना है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन मुझे एक शक हो रहा है, कहीं ये गूंगी तो नहीं? नहीं तो। शुक्र है शुक्र है, मेरी बहू बोली तो। माँ ये बोलती नहीं, गाती भी है। तो साहब मंगनी बाद में होगी, पहले हम ये देखेंगे कि लड़की गाती है तो कैसा गाती। अरे मुरली दीदी को सितार दे। ये लो दीदी। Ooh.
सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। हमें मालूम है। क्या मालूम है? वही जो आप हमसे छुपा रही हैं। अजय इज्जत, हम तो खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। बताऊं? तुम सोच रही हो, एक तरफ साधु राम एक मामूली हेटलर और उसकी पत्नी सोने से लदी, और दूसरी तरफ तुम इतने बड़े अफसर की बीवी और तुम्हें सिर्फ कांच की चूड़ियां पहननी नसीब, यही ना? वाह वाह, इतने बरसों के बाद भी तुमने मुझे समझा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं दूसरों का सोना देखकर जलती हूँ? मैं तो भगवान का शुक्र मानती हूँ कि उसने मुझे कितना दिया है। संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां जिन्हें तुम्हारे जैसा पति मिला हो, इतनी सुंदर और समझदार संतान मिली हो। अब बताओ, मेरे जैसा है भाग्यवान कोई? माँ, क्या है बेटे? माँ, तुमने वादा किया था ना, तुम मुझे फैंसी से ले दोगी? हाँ हाँ, वादा किया था, मगर इम्तिहान में पास होने के बाद। माँ, इम्तिहान में पास होने के लिए ट्रांसिस्टर बहुत जरूरी है। वो कैसे? ट्रांसिस्टर के बगैर तो पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगेगा। जब दिल नहीं लगेगा तो मैं पास कैसे होऊंगा? तुम ही सोचो माँ। नहीं नहीं बेटे, तेरे पिताजी पहले ही कहते हैं कि मैं तुझे बिगाड़ रही हूँ। माँ, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा था। मेरे दोस्त ने 1000 रुपए का ट्रांसिस्टर खरीदा है और 400 में बेच रहा है, 600 का तुम्हें फायदा होगा। लेकिन बेटा, तू ये पुराना माल क्यों खरीदता है? फॉरेन का माल है माँ, फॉरेन का देसी नहीं। और फॉरेन का माल कभी पुराना नहीं होता, जैसे विलायती लोग कभी बुड्ढे नहीं होते। अच्छा, तेरे पिताजी आ जाए, एक बार उनसे पूछ तो लूँ। माँ, वो कभी नहीं मानेंगे, वो तो महा कंजूस है। हाँ बेटा, मैं कंजूस हूँ, तेरी माँ की तरह मैं दानवीर कर्ण के घर नहीं पैदा हुआ। नो बेटा, क्यों जी मेरे बाप के घर तक क्यों पहुँच रहे हो? मैं बेटा कोई दहेज भी नहीं लाई थी। चल बेटा, रेडियो मैं दिलाती हूँ, चल। ले दो ले दो, जरूर ले दो, एक चीज और भी ले दो इसे, थोड़ा सा जहर इसे खाने के लिए। ये एक दो तीन और ये है चार। अरे ये क्या कर रहा है? मेरा बेटा बोले कबार खा रही है। कितने पैसे चाहिए? जितने तेरी माँ ने दिए। माँ के बच्चे, 100 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चोरी का माल है। चोरी मैंने अपने बाप के घर में की, तेरे बाप के घर में नहीं। इसीलिए तो 100 रुपए दे रहा हूँ। मेरे बाप के घर में चोरी की होती तो बेटा जेल खाने में चक्की पीसता होता। बोल मंजूर है? चल निकाल यार। उस्तादों से उतरी मेरे। अरे लो एक सेकंड, एक 10 रुपए निकाल। 10 रुपए किस बात के? मेरा कमीशन तेरी चोरी छिपाने के लिए। अगर मैं जाके तेरे बाप को बोल दूँ तो तेरा क्या हाल होगा? बोल दू। अकड़ी यार, मैं तो चोर हूँ, तू चोर का बाप है। तुझे आज पता चलेगा। हट। कोई बात नहीं। माँ, माँ, आस्ते बोलो, अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं।
डॉक्टर? हाँ, मैं चक्कर खा के गिर गई थी, मैं फौरन डॉक्टर को बुला लाया। माँ 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 को क्या हो गया डॉक्टर साहब? इन्हें कई दिन से बुखार आ रहा, लेकिन कुछ परवाह ही नहीं की। माँ जल्दी ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब? हाँ, इनको इंजेक्शन दे दिया, जल्दी ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं फिर कल आ जाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हें अंदर नहीं बताया, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारी माताजी को टाइफाइड हो गया है। हाँ, फिलहाल ये दवाइयां लिख देता हूँ, मंगवा लेना। माँ, ये तुमने क्या किया? माँ, तुम्हें कई दिनों से बुखार था और तुमने हमें बताया भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया बेटे कि तुम लोग घबरा कर डॉक्टर को बुलाने भागोगे। आजकल दवाइयों की कितनी महंगी मिलती है। दवाई महंगी जरूर है माँ, लेकिन तुम्हारी जान से ज्यादा महंगी नहीं। मेरे बच्चे, क्या हुआ बना? कुछ नहीं, वैसे बुखार आ गया तो राजा ने बात का वतन कर बना दिया। अच्छा बच्चों, तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ के पास बैठा हूँ। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो, बुखार है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हें शिकायत थी ना, मुझे तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। देखो कैसे फुर्सत निकाल ली। फुर्सत मांगी तो थी पद्मा, मगर ऐसी तो नहीं। मुझे दो, तुम जाके कोई और काम करो। ये काम सिर्फ औरतों का है। हाँ, बड़ी आई औरत। दिवाली थी, इस महीने दिवाला, मेहमानों ने तो हमें कंगाल कर दिया है। कुछ भी नहीं बचा? हाँ बचा है, 000। मुझे नहीं चाहिए इंतजाम। तुम वॉकआउट हो रहे हो क्या? हाँ हाँ। आया राम गया राम बन रहा है ये। और नहीं तो क्या, वो डैडी घर चलाते थे, हम असली घी भी खाते थे, घर में नौकरानी भी थी, स्कूल भी बस में जाते थे। अब तो सब कुछ बंद है, फिर भी कुछ नहीं बचता, हमें तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। ये तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, हर चीज हर रोज महंगी होती जा रही है। पैसा वापस कर दो डैडी को और कह दो हिस्सा में गुजारा नहीं होता। पर डैडी भी बेचारे कहाँ से लाएंगे, उनकी तनख्वाही 600 है। आइडिया क्या? मेरा स्कूल तो 5 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद 3 घंटे में कभी पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। मैं कल से नौकरी ढूंढना शुरू कर दूंगा। इस कंपनी के मालिक है? हाँ, क्यों? मुझे आपके दफ्तर में पार्ट टाइम नौकरी मिल सकती है? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, चलो। जी जी, ये अच्छा, ये बात है, जरा सुनो तो बेटे। जी
तो तुम शंकर नाथ जी के बेटे हो? जी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तो ऐसा करो, कल आके हमें मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। क्या कह रहे हो तुम रवि? तुम्हारे पास नौकरी मांगने वाला? जी, कह रहा था आजकल घर में हाथ जरा तंग है। आदमी ही आदमी के काम आता है, तो इसीलिए मैं थोड़े से पैसे साथ ले आया हूँ। लक्ष्मी दास, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे रिश्वत देने आया? राम राम राम, ये रिश्वत नहीं हजूर, मैं तो आपको कर्ज दे रहा हूँ। जब भी आपके पास होगा लौटा दीजिएगा। मैं अभी लौटा रहा हूँ, ले जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या है डरी? नालायक, बदतमीज, बाजी, कमीने, बेचारन। अरे क्यों मार रहा बेचारे को? तुम चुप रहो। मेरा कसूर तो बताइए जल्दी। कसूर? तुमने मेरी सारी जिंदगी की कमाई पर पानी फेर दिया। मेरा नाम राज जाते लोगों की जूतियों के नीचे रख दिया। वरना लक्ष्मी दास जैसे कीड़े की हिम्मत कि मेरे दफ्तर में आए, मेरे टेबल पर नोटों के दफ्ते फेंके और कहे शंकर नाथ ये लो अपने ईमान की कीमत। मैं तो जानता भी नहीं लक्ष्मी दास कौन है। लेकिन वो तो जानता है तुम कौन हो, किसके बेटे हो, उसका काम पड़ता है हमारे दफ्तर से, और तुम जा पहुंचे उसी के पास नौकरी मांगने, अपनी पढ़ाई को भाड़ में झोंक के। मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता डैडी, मैं नौकरी करता स्कूल के बाद उतने खेल कूद के वक्त में। लेकिन तुम्हें नौकरी की जरूरत ही क्या पड़ी है? तुम्हारा बाप अभी मरा तो नहीं, वो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ा सकता है, घर में खिला सकता है। ये मैं जानता हूँ डैडी, लेकिन पिछले महीने माँ की बीमारी के कारण खर्च बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने नौकरी करके ये घाटा पूरा करना चाहा अपनी मेहनत से। ये सब तुमने मेरे लिए किया, अपनी माँ के लिए। तुमने बाहर जाकर नौकरी भी ढूंढी, घर आकर पिताजी की मार भी खाई, इतनी देर में इतने बड़े हो गए। रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सख्त नाइंसाफी की है। तुम अपने इम्तिहान में पूरे उतरे और मैंने नाम देने की बजाय तुम्हें सजा दे डाली। बेटा, हमने घर का इंतजाम तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हें मालूम हो जाए जो लोग रुपया कमाते हैं वो कितनी मुश्किल से कमाते हैं और जो नहीं कमाते वो कितनी आसानी से खर्च कर डालते हैं। अब तुम ये सब बड़ी अच्छी तरह सीख रहे हो, अब चाहते हो झंझट हमें वापस दे दो। हाँ नहीं डैडी, अभी नहीं, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। नहीं साहब, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, अपने बस का रोग नहीं है। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे दफ्तर में सब काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आप हमारा काम कर दीजिए एक दफा, फिर देखिए हम नीचे वालों का कैसे ख्याल रखते हैं। पहले साहब यही कहते हैं, काम निकलने के बाद कौन हाथ आता है। मेरे गुरु ने कहा है जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर, समझे? लीजिए साहब, तो अभी कर देते हैं। ऊपर से नहीं, नीचे से, नीचे से, नीचे से। सुना नहीं आपने कि दानों में दान, गुप्त दान, जरा नीचे से ऐसे। आप ठीक है, आप जा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। जमुना, क्या है? देखो तो खिलाते रहते। अरे जल्दी करो, मेरे साथ चलो बाजार और अपनी बेटी के लिए सारा जहेज खरीद लो। इतना ज्यादा रुपया कहाँ से आया? बस कुछ ना पूछो, यही समझो कि ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। थानेदार साहब, आप क्या बात है? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? मैंने क्या जुर्म किया है इंस्पेक्टर साहब? तुमने रिश्वत ली है। रिश्वत? किसने लिया और किसने दी है? तुमने ली है, इन्होंने दी है। जानते हो ये कौन है? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अहमद फ्रॉम विजिलेंस।
ये सब चाल है, शादी है, तुम खाम खाए शरीफ आदमी को फांस रहे हो। अच्छा होगा तुम सारे मोहल्ले को इकट्ठा ना करो और चुपचाप हमारे साथ चले चलो। क्यों चलूं इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने रिश्वत ली है? ये नोट जिन पर पुलिस के निशान लगे हुए हैं। कांस्टेबल हथकड़ी लगाओ। बच्चों का ख्याल रखना, आज से तुम इनकी माँ भी हो और बाप। अरे इसमें रोने की क्या बात है, हमारे नेता जेल नहीं जाते थे, वो देश के लिए जाते थे, तो मैं अपने खानदान के लिए जा रहा हूँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब। बाबूजी को पुलिस वाले क्यों ले गए? इसलिए कि बाबूजी ने रिश्वत ली है। मुझे क्या मालूम था कि वो रिश्वत ले सकते हैं? तुम्हें मालूम नहीं था, हम सबको मालूम था बाबूजी को कितनी तनख्वाह मिलती है। उनकी तनख्वाह बंदी हुई थी मगर हमारी माँ के बेलगा, बाबूजी ने घर में टकसाल नहीं लगा रखी थी, वो हमारी माँ के कहां से पूरी करते? वो आज जेल गए हैं तो अपने लिए नहीं गए, मेरे लिए गए हैं, तुम्हारे लिए गए हैं, हम सब के लिए गए हैं माँ, हम सब के लिए गए हैं। इसी के लिए मुझे जेल जाना पड़ा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सोना। ये तो अच्छा हुआ जो होना था शादी से पहले हो गया, बाद में होता तो क्या होता, दुनिया को कौन सा मुंह दिखाते जाकर। मैं तो सीमा बेचारी का सोच रहा हूँ माँ, उसका क्या हाल हुआ होगा। सीमा को अब भूल जाओ सुरेश, हम ऐसे बाप की बेटी से रिश्ता नहीं कर सकते। माँ जुर्म बाप ने किया है, सदा बेटी को देना चाहती हो तुम। ये तो होता ही है दुनिया में, बीज बोते हैं माँ बाप और फसल काटनी पड़ती है औलाद को। मैं आज ही उन्हें चिट्ठी लिख देती हूँ, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। माँ बेटी क्यों हो रही है? सुरेश की माँ का उन्होंने मंगनी तोड़ दी है माँ। मंगनी तोड़ दी? हे भगवान अब क्या होगा, मैं तो पागल हूँ। घबराओ नहीं माँ, बाबूजी के मैनेजर उस दिन मंगनी पे नहीं आए थे, शंकर नाथ जी, उनका बेटा रवि मेरा दोस्त है, मैं उनके पास जाता हूँ, लाओ ये चिट्ठी मुझे। शादी से इनकार कर रहे हैं? उन्होंने मंगनी तोड़ दी है, ये देखिए चिट्ठी, मजदूर करोड़ों के अंधी हो रही है। तुम्हें कुछ करो ना, ये शादी ना हुई तो बेचारी सीमा का क्या होगा, फिर कौन करेगा उससे शादी? वो तो ठीक है पन्ना, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। तुम जाकर सुरेश की माँ को समझाओ, भूल साधुराम से हुई है, साधुराम की भूल की सजा सीमा को क्यों दे? ये पाप होगा, अन्याय होगा। मैं जानती हूँ ये अन्याय है, लेकिन ये रिश्ता मैं करूँ तो कैसे, सारा समाज सारा जग हंसेगा हम पे। हंसेगा जरूर, दो दिन हंस के भूल भी जाएगा, लेकिन उस मासूम का क्या होगा जो सारी जिंदगी आंसू बहाती रहेगी। आप इतना सोचिए भाई साहब, आप भी अगर मेरी जगह होते तो यही ना करते। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं सोचता लड़के लड़की का आपस में प्यार है, मुझे उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहिए। मैं आज ही सीमा की माँ के पास जाता और कहता लड़की का कोई दोष नहीं, उसे आप हमारी छोरी में डाल दीजिए। माँ तुम्हें भी यही करना चाहिए, ये सिर्फ सीमा की जिंदगी का सवाल नहीं, राजू के दूसरे पलड़े में तुम्हारी बेटी की जान धरी है। अच्छी बात है आप इतनी दूर चलकर आए हैं, आपके पास तालू तो कैसे, आप उनसे कह दीजिए कि शादी होगी, लेकिन एक शर्त है, ब्याह के बाद बहू को मैं इस घर में जाने नहीं दूंगी। नहीं जाने की जरूरत ही क्या है, शादी के बाद आप सीमा की सास भी होंगी और माँ भी। अच्छा अच्छा है। ये क्या माँ, चाहती हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अरे बेटे डॉक्टर तो कहते ही रहते हो। नहीं माने, तुम जाओ आराम करो, जाओ। माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ क्या बात है रवि, आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसके लिए जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है उसमें मैं बहुत बड़ा पार्ट ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा भला ही ना मुझे मिले। मेरा आशीर्वाद है बेटी,
इनाम तुझे ही मिलेगा। मैं तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करूंगी। अब हमारे प्रोग्राम का आखिरी आइटम हमारे स्कूल के मैट्रिक के विद्यार्थी मास्टर रवि और उसके साथी पेश कर रहे हैं, संगीत नाटिका श्रवण कुमार। सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें एक अमर कहानी, श्रवण की अमर कहानी। माता पिता के लिए जिसने दी कुर्बानी, कुर्बानी। माता पिता के लिए जिसने दी कुर्बानी, कुर्बानी। नैनों का था वो उजियारा, खेल कूद को भूल चुका था वो बालक बेचारा। माता पिता की, माता पिता की सेवा ही को जीवन जिसने जाना, उनके चरणों की माटी को चंदन जिसने माना। सुनाता हूँ तुम्हें एक अमर कहानी, श्रवण की अमर कहानी। माता पिता के लिए जिसने दी कुर्बानी, कुर्बानी। आज्ञाकारी माता पिता के बोझ को समझा, फूलों से कम भारी। तूफानों ने रास्ता रोका, तूफानों ने रास्ता रोका, विपताओं ने पग पग डो, कदम पर ठोकर खाता, हर ठोकर की हंसी उड़ाता। एक लगन थी, एक ही धुन थी, एक लगन थी, एक ही धुन थी। माता पिता की बंद आंखों के जब तक खुले न द्वारे, दाता दे बालक तब तक जीना हारे। सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें एक अमर कहानी, श्रवण की अमर कहानी। माता पिता के लिए इतने दी कुर्बानी, कुर्बानी। पहुंच गया एक दिन सरयू के किनारे, बिलख रहे थे बूढ़े माता पिता प्यास के मारे। कांवर को कांधे से उतारा, कांवर को कांधे से उतारा, गया नदी तट जल भरने, गया नदी तट जल भरने। पानी भरते भरते आकर घेरा होनी के चक्कर ने, घेरा
किसने चलाया मुझे? बालक, ये तुम्हें आकर लगा? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? कौन? राजा दशरथ? बालक, तुम्हारे सामने राजा नहीं, एक खजारा खड़ा है। हमने तो जानवर समझकर आभास पर तीर चलाया था। हमें क्या मालूम था कि एक निर्दोष के लहू से हमारे हाथ रंगे जाएंगे। तुम्हारे तीर का शिकार मैं अकेला नहीं हुआ, दो और शिकार भी हुए। मेरे अंधे माता पिता जिन्हें मैं तीर्थ कराने निकला था, वो वहां पानी के लिए ऐसे तड़प रहे हैं। उन्हें क्या मालूम एक राजा ने अपने खेल के लिए उनके बेटे का खून पानी के तरफ बहा दिया। हमें क्षमा कर दो बालक, हमें क्षमा कर दो। अब हमारे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? छोड़ो राजन, मुझे सहारा दो, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। चवन बेटा, तू आ गया? इतनी देर क्यों हुई बेटा, ठीक तो हो? श्रवण! बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी। बेटा, मुझसे कोई भूल हो गई हो बेटा, तो क्षमा करना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? श्रवण, श्रवण बेटा, तीर, तेरे सीने में तीर। क्या? किसने मारा? ये अत्याचार किसने किया बेटा, ये अत्याचार किसने किया? पति ने अत्याचार किया, हम मरने से पहले उसे श्राप देते हैं। तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में मरो, और जब मरो बेटा पास ना हो पानी देने के लिए। श्रवण, बेटा श्रवण। अब मैं स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इनाम कमेटी का फैसला आप लोगों के सामने जाहिर करता हूं। सबसे खूबसूरत प्रोग्राम पेश करके बेहतरीन अदाकारी का पहला इनाम गोल्ड मेडल जीता है मास्टर रवि ने। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। ओ रवि, वाह मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहला इनाम तुम्हें मिला। शुक्रिया। तो मैं एक बात पूछना चाहूँ। कहो। ऐसा नहीं हो सकता कि महंगी के बजाय मुझे नकद रुपए मिल जाए? रुपए? क्यों? ये बात है, मेरे घर में इस वक्त मेडल से ज्यादा रुपयों की जरूरत है। आजकल घर चलाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, पिछले महीने खर्च आमदनी से ज्यादा निकला, ऊपर से माँ की बीमारी आन पड़ी, सारा मामला उलट पलट हो गया। अगर मुझे नकद रुपए मिल जाए तो मेरे कई काम सवर जाएंगे। रवि, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मेडल के बजाय पैसे देने का फैसला मैं नहीं कर सकता, कमेटी कर सकती है या चेयरमैन साहब कर सकते हैं। चेयरमैन ने फैसला कर लिया है हेडमास्टर साहब, आप इसे रुपए दे दी। जी जी हाँ, जब मैं देखता हूं ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा के चल रहा है, मुझे आश्चर्य भी होता है और खुशी भी।
मैं तो सारे स्कूल में इसकी मिसाल देना चाहता हूं। ये लो बेटे, मेरी तरफ से ये 100 रुपए। नहीं साहब, मुझे सिर्फ अपने इनाम के रुपए चाहिए, दया की भीख नहीं। भीख नहीं बेटे, ये भेंट है तुम्हारी एक्टिंग के लिए, मेरा जाती इनाम। नहीं, ले लो रवि, चेयरमैन साहब अपनी खुशी से दे रहे हैं। लो बेटे, लो। और ये लो तुम्हारे इनाम के पैसे। माँ, ये देखो माँ, 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ माँ, 100 रुपए गोल्ड मेडल के और 100 रुपए प्रेसिडेंट की तरफ से इनाम। देखिए, पहले से भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम करो। मेरा भगवान तो तुम ही हो माँ, भगवान से भी बढ़कर। ये मेरे 600 भी अपने 200 में मिला दो। पहले आपने हाथ लगाइए रेडी और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे रवि, ये तुम्हारे 200 जो है ना, ये मेरे 600 से ज्यादा भारी है। 4 रुपए मेरे। चल यार, एक चाल मेरी भी आई 4 रुपए की। एक और है। ये मेरे। चल यार, मैं पैक। एक 4 रुपए चाल मैं आया। ये पत्ते वत्ते ले चलेंगे बच्चों, पैसे रख के बात कर। हाँ हाँ, माल दिखाओ। चुप, पौधा वाले नहीं बोल रहा। मेरी साइकिल जो तेरे पास है वो तो तुम पहले हार चुके हो, ये तो नया हिसाब चल रहा है। पैसे रखो और बात करो, समझे? बड़े आए खेलने वाले। ये है मेरा ट्रांजिस्टर, कितने पैसे समझ रहे? तो मेरी चाल मंजूर है? मंजूर है। ये लो मेरी 8 रुपए की चाल। ये मैं आया 16 रुपये। मैं 32 आया। ये मेरे 32। चल शोकर 32। ये पहला बादशाह, ये दूसरा बादशाह। वाह बेटे वाह, दो बादशाह लेके रुपा बैठे जा रहे, खुद भी बादशाह है। ये रहे तीन तीन बेगम। है जा, गंदे हाथ पैसों को मत लगा। ये रहा तीसरा बादशाह, तेरे तीन बेगम के तीन खत्म। बड़ा आया खेलने। बदमाश के पास हम लोग की दिन आगे बढ़ेगी खुशी की। आप क्या करो? एक एक कस्टर फोड़ के जानता हूं कि रेडियो साइकिल कहां गए हैं। मैं इसकी नस नस पहचानता हूं। तुम्हारा लाडला या तो उन्हें जुए में हार गया है या कहीं गिरवी रखाया है। मैं भगवान की जगह क्यों माने बेचारे बच्चे को? मेरा सब जवाब दे चुका है गोपी की मां, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाओ चाबियां मुझे दो, लाओ। आज ये चाबियां मेरे पास रहेंगी। तुम्हारे पास क्यों?
रुपए तुम्हारे नहीं है। मालूम है रुपए तुम्हारे बाप के हैं, लेकिन ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है। मैं अपनी आंखों के सामने दोनों की बर्बादी नहीं देख सकता। आज यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मेरी इजाजत से होगा। माँ और बेटे दोनों में किसी को इतराज हो तो बाहर जाने के लिए दरवाजे खुले। मुझे ना दरवाजा दिखाओ और ना आंखें। बेटा जैसे मेरा है वैसे तुम्हारा भी। लो रखो इसे, जान ले लो इसके, खून पी लो इसका। ना तुमने समझ गए लो, आज से तुम्हारे सब तमाशे खत्म, हमारा गद्दी बंद, तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, तुम्हारी कोई जिद नहीं मानी जाएगी, समझे? चलो मेरे साथ। देखो ये अनार अपनी बुआ के घर देख आओ, और एक बात और याद रखना, शाम तक सेंजिस पर साइकिल घर नहीं आए तो तुम्हारे भी आने की जरूरत नहीं, समझे? हमें कम से कम 28 रुपए की बचत होगी। वेरी गुड, शायद किसी खुशी में हमारी बख्शी साफ खुल गए। भाई वो हमारा बस का किराया लो। अभी लाया है। रवि लो दूसरे। डैडी डैडी क्या हुआ? रवि मैं अभी अभी यहाँ 800 रुपए रख के गया था, अभी नहीं है। अच्छी तरह देखो बेटे। नहीं है डैडी, कहीं नहीं है। मैं अच्छी तरह याद है यही रखे थे। हाँ डैडी, इसी डिब्बे में रखे थे। लेकिन रवि तुमने अलमारी को ताला लगाया था कि नहीं? लगा ही रहा था माँ, लेकिन इतने में डैडी ने आवाज दी इसलिए चाबियां यही छोड़ के चला गया। इतने से कौन ले जा सकता है? सब कुछ चला गया माँ, सब कुछ चला गया। डैडी की तनख्वाह, मेरे इनाम के पैसे, पूरे 800 रुपए माँ, पूरे 800 रुपए। मैं तो पहले ही कहती ऐसे नाजुक कंधों पर इतना बड़ा बोझ ना डालो, लेकिन तुम नहीं माने। हमेशा यही कहते रहे कि दुनिया लड़ाई का मैदान है, मेरे बच्चे सिपाही बनेंगे, देख लिया ना। पर मैं, मुझे क्या मालूम था हमारे घर में इस तरह चोरी भी हो सकती है। मत रो बेटा, शाबाश शाबाश, खुश रहो। लेकिन डैडी हम अपने घर कैसे चलाएंगे, राशन कहाँ से आएगा और चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? डैडी आ जाएंगे, आ जाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ मेरा भी, रो क्यों रहा इस तरह? इसके 800 रुपए चोरी हो गए भैया। चोरी हो गई? शंकरनाथ तुमने पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं? नहीं भाई साहब, अभी अभी तो चोरी हुई है। और फिर मैं सोचता हूँ पुलिस में जाने से फायदा भी क्या है, क्यों? तरह तरह के सवाल पूछेंगे, यहाँ कौन आया था, कैसे आया था, आपको किस पर शक है, और हमें तो भाई साहब किसी पर भी शक नहीं। रो मत रवि, मुझे विश्वास है रुपए मिल जाएंगे, खून पसीने की कमाई जो डूब नहीं सकती। मुझे अपने पैसों की फिक्र नहीं भाई साहब, लेकिन रवि को कल स्कूल से 200 रुपए इनाम में मिले थे। अच्छा, ये रकम भी उन पैसों में शामिल थी उसका। अंकल जी हमारा बॉल अंदर आ गया, हम ढूंढ ले। जाओ भाई जाओ, हम पहले यहाँ परेशान बैठे हैं। नहीं भाई साहब ऐसी क्या बात, आओ बेटे ढूंढ लो अपना बॉल। ये अनार कहाँ से आया? हम तो महीना से नहीं लाए घर में। क्यों? मैंने कुछ देर पहले ही तो भेजा था टोकरा अनारों का गोपी के हाथ। गोपी के हाथ? हाँ, मैं यही देखने के लिए आया था कि उसने टोकरा पहुँचा है कि नहीं। लेकिन भैया गोपी तो यहाँ आया ही नहीं। आया है, जरूर आया है, ये अनार सबूत है उसके यहाँ आने का। अब मुझे मालूम हुआ कौन ले गया है, कहाँ ले गया। आ गया, आ गया। तो खामखा नाराज होके चलेगा, सुना पत्ते बातें,
मैं पत्ते खेलने नहीं आया हूँ। मुझे अपना ट्रांजिस्टर और साइकिल चाहिए। ये लो अपने पैसे और मुझे मेरी चीजें वापस दे दो। उनके बगैर मैं घर नहीं जा सकता। तो ठीक है, घर जाने की जरूरत भी क्या है, हमारे साथ रहो और मजे करो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मजे नहीं करने। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह पहचान गया हूँ। अच्छा, पहचान गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये पैसे यहाँ रख दो और अच्छे बच्चों की तरह अपने घर जाओ। खबरदार, इन नोटों को हाथ भी लगाया तो ये पैसे मेरे हैं। अरे तू कहां से आ गया बीच में पैसे वाला? ला पैसे। मैं तुम लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता, तुम्हें मैं अपने रुपए भी नहीं दूंगा। अच्छा, देखता हूं कैसे नहीं देता। माफ कर दीजिए दादी, हमारे रुपए गोभी चुरा के लाया था यहाँ अपना रेडियो और साइकिल छुड़ाने के लिए, और ये लोग रुपए और रुपए भी छीनना चाहते थे। तो माफ कर दीजिए। माफी तुम क्यों मांग रहे हो? माफी तो इसे मांगनी चाहिए तो जो आई कुत्ते ना कर। भाई साहब, लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं पर लाठी से सुधरते नहीं। गोपी, तुमने कभी सोचा है जिस रुपए को तुम इतनी बेरहमी से उजाड़ते हो उसके लिए तुम्हारे माँ बाप कितनी तकलीफें उठाते हैं, हर रोज कितनी मौतें मरते हैं? वो अपनी ख्वाहिशों का, जरूरतों का गला घोंट कर तुम्हें स्कूल और कॉलेज में इसलिए पढ़ाते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ बनो, लेकिन तुम चोर बनो, जुआरी बनो। इंसाफ नहीं, अंधेर है, जुल्म है। आपके चरणों के बाबत
मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पापा दे गया। आज कितना शुभ दिन, सबको सब कुछ मिल गया। रवि को उसके खोए हुए रुपए मिल गए, भाई साहब को उनको खोया हुआ बेटा मिल गया, और मुझे तरक्की का ऑर्डर। हाँ रवि, अब तुम जब चाहो अजंता एलोरा जा सकते हो। राजा को साइकिल भी मिल गई, और रूपा बेटी को एक नया बढ़िया टेरेलिन का फ्रॉक। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ डैडी, अब हमें मालूम हो गया है रुपए कमाना कितना मुश्किल है और खर्च करना कितना आसान। अब हमने सीख लिया है डैडी, जितनी चादर हो पांव उतने ही फैलाने चाहिए। शाबाश रवि, जो तुमने सीखा है, अगर सब सीख ले, सारी कौम सीख ले, तो पूरे देश का उद्धार हो जाएगा।